हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में फ्रेंड्स डी आर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया गया जिसमें आईटीआई डिप्लोमा बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 150 है प्रेसर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है तो हर एक चीज एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूँगा और लास्ट में वेबसाइट में जाके दिखाऊँगा इसमें अप्लाई कैसे करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन

तो स्टार्ट करते डिटेल सर्टिफिकेशन की तो फ्रेंड्स यहीं पे ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अपारेंटाइज के लिए वैकेंसी निकल के आया है नेक्स्ट बात कर लेते डिटेल्स पोस्ट के बारे में तो फ्रेंड्स तो फर्स्ट है ग्रेजुएट अपार्टाइस के लिए जिसमें फर्स्ट है मेकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थर्टी है नेक्स्ट है एरोनाटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिफ्टीन है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकोम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टेन है नेक्स्ट डे कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिफ्टीन है नेक्स्ट डे मेटलर्जी और मेटेरियल साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फोर है और लास्ट सिविल वालों के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है कुल मिला के ग्रेजुएट अप्रांस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 निकल के आया इसमें एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 18 इयर्स से 27 थर्टी ईयर्स एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए थर्टी टू ईयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 37 सेवन ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मेकानिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एरोनोटिकल एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आई टी मेटालॉजी मेटीरियल साइंस और सिविल इंजीनियरिंग में से चार साल का बी टेक करके राखी हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए जिसमें फर्स्ट है मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टेन है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी सेवन है नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड आई के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थ्री है कुल मिला के टेक्नीशियन अप्रांटाइज के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी ट्वेंटी निकल के आया है इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट एटीन ईयर्स लेके ट्वेंटी सेवन ईयर्स रखा गया है ओबीसी कैंडिडेट के लिए थर्टी ईयर्स एस सी कैंडिडेट के लिए थर्टी टू और पी कैंडिडेट के लिए थर्टी सेवन ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मेकैनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर नेटवर्किंग में से तीन साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए जिसमें फर्स्ट है मेकानिस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थ्री है फिटर के लिए फोर वैकेंसी है टर्नर के लिए थ्री इलेक्ट्रीशियन के लिए थ्री वेल्डर के लिए दो शीट मेटल वर्कर के लिए दो और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए एट वैकेंसी है कुल cool मिला के ट्रेड अपनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ट्वेंटी फाइव निकल के आया है इसमें एजलिट एटीन ईयर्स लगे ट्वेंटी सेवन ईयर तक रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए ओबीसी के लिए थर्टी ईयर्स एस सी एस टी के लिए थर्टी टू और पी डाबी कैंडिडेट के लिए थर्टी सेवन ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग टेंथ क्लास पास करने के बाद मेकानिस्ट फिटर टर्नर इलेक्ट्रिशियन वेल्डर शीट मेटल वर्कर और कोपा ट्रेड में से आईटीआई करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्रेंटिसिप ड्यूरेशन की तो फ्रेंड्स यहीं पे आपको अप्रेंटिसिप के लिए ड्यूरेशन वन ईयर तक रहेगी नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने से पहले अगर आप लोग बी बी टेक डिप्लोमा करके रखे हो तो उस केस में आपको एम ईचर नेट्स पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर आप लोग आई टी आई करके रखे हो तो उस केस में आपको अप्रेंडिसप इंडिया डॉट ओ आर जी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि जब आप लोग इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आपका नेट आई डी है वो आपको वहाँ पर मेन्शन करना होगा उसके अलावा फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो मेरे चैनल पे है मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगा आप लोग इसमें अप्लाई करने से पहले उसको एक बार जरूर चेक कर लेना नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके बीबीटेक और डिप्लोमा टू थाउजेंड और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पे पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जो लोग 2019 से पहले डिप्लोमा और बी टेक पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग हायर क्वालिफाइड हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके डिप्लोमा और बी बी टेक फाइनल ईयर पे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो उसके साथ अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंडिसिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो और उसके अलावा अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है या तो एक साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आप लोग इंटरव्यू या तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में तो फ्रेंड्स यहीं पे ग्रेजुएट अप्रांस के लिए स्टाइपेंड नाइन थाउजेंड पर मंथ मिल जाएगी टेक्नीशियन के एट थाउजेंड पर मंथ मिल जाएगी और आई टी आई के लिए सेवन थाउजेंड पर मंथ आपको स्टाइपेंट मिल जाएगी नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके बीबीटेक और डिप्लोमा में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा अगर आप लोग इस दोनों में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्यर के बारे में तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आपको इमेच नेट्स और अपनडिसप इंडिया डॉट ओ आर जी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसी वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा जो भी इस वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा इसमें अप्लाई कैसे करना है नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उस केस में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स का ऑरिजिनल और सेल्फेड फोटो कॉपी आपको साथ में लेके जाना होगा उसका मेंशन दे तो आप लोग आपके हिसाब उस से उसका आइटेल्स चेक कर लेना नेक्स्ट फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आपको वेबसाइट में से मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको ईमेल आई डी पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मिल आई पे कॉन्टेक्ट करके आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है फोर्टीन मार्च 2022 अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट निकलवा ट्वेंटी फिफ्टू थाउजेंड ट्वेंटी पे उसके बाद फ्रेंड्स ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है थर्टी मार्च 2022 और उसके बाद फाइनल सिलेक्टेड ट्वेंटी सेकेंड अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पे और आपका ज्वाइनिंग के लिए डेट रखा गया है सेकंड मे टू ऑनवर्ड्स तो फ्रेंड्स ये है इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ आपका क्लास टेन का जो रोल नंबर है वो आपको यहीं पर फिल करना होगा उसके बाद आपको आपका क्लास टेन का जो पासिंग ईयर है वो आपको यहीं से चूज़ करना होगा उसके बाद आपको आपका नेम आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल करना होगा उसके बाद आपको कोई भी एक पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपको लॉगिन करना है लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना

तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियोज बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका लिंक वगैरह मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन यहीं पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से चिकआउट कर सकते हो उसके अलावा जॉब के रिलटेड अगर कोई भी न्यूज है तो इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा और उसके साथ एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ तो अभी कभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए आप लोग को भी फायदा मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपका कोई भी डाउट्स तो क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बिलाईकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को जैसे ज़्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को जैसे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू